breaking news. पारस रत्न अवार्ड 2019 से खिलाड़ी और समाज सेवियों को किया सम्मानित। समाज सेवी संस्था पारस एजुकेशनल सोसाइटी बरेली उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पारस रत्न अवार्ड 2019 आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित मुख्य अतिथि नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया इस मौके पर सोसाइटी के प्रबंधक पीपी सिंह बंटी ठाकुर ने मुख्य अतिथि को बैच लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि यह संस्था लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, चाहे वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, वृक्षारोपण कार्यक्रम और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी सिलाई केंद्रों का संचालन कर रही है। इसके लिए सोसाइटी बधाई की पात्र है। इसे महिलाओं को गरीब बच्चों को समय समय पर कपड़ों का वितरण करना और उनके अंदर छिपी प्रतिभाओं को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि छिपी प्रतिभाओं को निखारने हैं ऐसे आयोजन, इससे बच्चों को उत्साहवर्धन मिलता है। इसके लिए मैं पारस एजुकेशनल सोसाइटी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सम्मान समारोह के मौके पर महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर के एम अरोड़ा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के मन में एक नया उत्साह होता है कि उनके अंदर विभिन्न आयोजनों द्वारा जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उसको लेकर पारस एजुकेशनल सोसाइटी समय समय पर सम्मान आयोजनों का कार्यक्रम करती है। इसके लिए मैं भी बधाई देता हूँ और जो शहर की विभिन्न संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं, इससे बढ़कर और क्या उदाहरण। क्या कार्यक्रम में बताइए? पारस एजुकेशनल सोसाइटी पिछले बहुत सारे वर्षों से सामाजिक काम कर रही है। अपने जो इनके विद्यार्थी होते हैं उनको सम्मानित करने का काम भी करते हैं जिन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है। और लगातार ये पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी एजुकेशन विद्यार्थियों को देते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको हर तरह की सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए हमारे बंटी ठाकुर जी को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा सेवा का काम इस सोसाइटी के माध्यम से लगातार इनके द्वारा हो रहा है और ऐसा इससे हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और समाज हित के काम में अग्रसर रहना चाहिए। धन्यवाद।